बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अजीज और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की जिबिल्लत और फितरत ऐसी रखी है कि जब ये किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है तो उस चीज़ में दो वसफ़ देखता है। अगर उस चीज़ में दोनों वसफ़ कामिल हों तो वो इंसान उस चीज़ को कबूल करता है। अगर उनमें से कोई एक वसफ़ हो, दूसरा वसफ़ ना हो, या दूसरा वसफ़ हो, पहला वसफ़ ना हो, तो इंसान उस चीज़ को कबूल करने में मुख्तार है, चाहे तो उसको कबूल करे चाहे उसको रद्द कर दे। एक वसफ़ तो ये कि इंसान उस चीज़ की ज़ाहरी सूरत को देखता है कि उस चीज़ की ज़ाहरी सूरत कामिल और मुकम्मल है, ज़ेबो ज़ीनत वाली है, आँखों को अच्छी लगती है, देखने में भली लगती है, तो गोया कि उस चीज़ की ज़ाहरी सूरत दीदा ज़ेब है और पुर ज़ीनत है, तो इंसान उस चीज़ की तरफ तवज्जो करता है, उस चीज़ की तरफ बढ़ता है। और दूसरी उस चीज़ की बातनी सलाहियत को देखता है कि इस चीज़ के अंदर सलाहियत है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये चीज़ काम की है, पायदार है, जिस मकसद के लिए मैं लेना चाहता हूँ उस मकसद को ये पूरा करेगी। तो जब वो देखता है कि दोनों की दोनों सलाहियतें इसके अंदर मौजूद हैं, गोया कि ज़ाहरी सूरत भी उसकी मुकम्मल है और बातनी सलाहियत भी उसकी दुरुस्त है, अब ये शख्स उस चीज़ को कबूल करता है। मसलन ज़ेवर ख़रीदना चाहता है, ज़ेवरात की दुकान पर देखता है, ख़ूबसूरत ज़ेवर है, दीदा ज़ेब है, अब उसकी ख़ूबसूरती को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, उस खूबसूरत ज़ेवर को देखता है, रंग बिरंग मोतियों को देखता है, हीरे जवाहरात को देखता है, तो गोया कि ज़ेवरात से बनी हुई एक चीज़ उसकी ज़ाहरी ख़ूबसूरती को देखकर हाथ बढ़ाता है, लेकिन पता चलता है कि बातनी सलाहियत इसमें नहीं है, ये तो असली सोना नहीं है, खोटा है। तो आदमी कहता, नहीं भाई नहीं, ये ज़ाहरी सूरत मैंने क्या करनी है, ये तो नकली सोना, असली नहीं है, ये तो 24 कैरेट का सोना नहीं है, ये तो जो है वो 13 कैरेट 12 कैरेट का सोना है। अब वो उसकी सलाहियत की दर्जा बंदी करके उसको रद्द कर देते हैं। या अगर सोना मौजूद है, जेवर मौजूद है और वो असली है, 24 कैरेट का सोना है, लेकिन ज़ाहरी शक्ल व सूरत उस ज्वेलरी की, उस सेट की अच्छी नहीं है, पहनने में अच्छा लगेगा नहीं, देखने में भला लगता नहीं है, हालांकि खालिस सोना है, हालांकि बिल्कुल सलाहियत उसकी मुकम्मल है, तो फिर भी उसको ऑप्शन रहता है कि कबूल करे ना करे। वो कहता है, यार देखने में अच्छा नहीं लगता, कोई और दिखाओ जो देखने में भी खूबसूरत लगे और असली सोना हो। तो अब देखो, दोनों की दोनों चीज़ें जब वो मुकम्मल होती हैं, अब ये शख्स उस चीज़ को कबूल करता है। तो गोया कि दुनिया की हर चीज़ के अंदर इंसान का यही रवैया है कि उस चीज़ की ज़ाहरी सूरत भी देखता है और बातनी सलाहियत भी देखता है। अगर ज़ाहरी सूरत है, बातनी सलाहियत नहीं है, तो भी वो कहता है ये बेकार है, या बातनी सलाहियत है, ज़ाहरी सूरत अच्छी नहीं है, तो भी कहता नहीं यार रहने दो, मुझे नहीं लेनी। हाँ, दोनों की दोनों जब मुकम्मल होती हैं, अब ये शख्स ख़रीदता है, भले वो चीज़ खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, रहने सहने की हो, चलने फिरने की हो, इंसान की गाड़ी या सवारी हो, हर चीज़ में इंसान इसी उसूल को देखता है कि ज़ाहरी सूरत भी अच्छी हो और बातनी सलाहियत भी मुकम्मल हो।